इस गर्मी के सीजन में आप सब ने आम की बहुत सारी रेसिपी देखी होगी और बनाई होगी, पर आज एक खास रेसिपी बनाते हैं, वो भी आम के फ्लेवर में। वो है बंगाल की फेमस मिठाई चमचम। चमचम के टेस्ट को आम के टेस्ट ने और स्पेशल बना दिया है और खास बना दिया है। तो चलिए आज बनाते हैं इस डिलीशियस सी मैंगो चमचम को घर पे। बहुत आसान रेसिपी है। सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्ट इन माउथ। आपका स्वागत है। आज चमचम की रेसिपी हम बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस ना करिएगा। चमचम बनाने के लिए यहाँ हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबाला है और 2 चम्मच विनेगर के साथ 2 चम्मच पानी मिला करके उबले हुए दूध में धीरे धीरे मिलाएं। आप देखेंगे धीरे धीरे छेना सेपरेट हो जाएगा। अब एक छन्नी पे एक कपड़ा रखें और छेने को हम छान लेंगे। इसे साफ पानी में 1 से 2 बार के लिए धोएं और फिर इसे अच्छे से निचोड़ करके इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। हमारा छेना तैयार हो गया है, तो चलिए दूध से और मिल्क पाउडर से घर पर ही हम मावा यानी खोआ बनाते हैं। इसके लिए 1/2 कप दूध और 1/2 कप मिल्क पाउडर में 1 टेबलस्पून घी डाल करके मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें। 2 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लगता है और ये एक खोए की तरह से बनने लगता है। इस तरह से आप खोआ बना करके फ्रिज में 2 से 4 दिन के लिए रख सकते हैं। ये खोआ मैंने 1 दिन पहले बनाया था। इसमें चीनी डाला है हमने 1/4 कप और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाला है। आप चाहें तो मावा को ऐसे ही किसी भी मिठाई में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ क्योंकि हम मैंगो फ्लेवर का चमचम बना रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने मावा के साथ मैंगो की प्यूरी को कुक किया है, उसको थोड़ा सा गाढ़ा किया है, जिससे आम का टेस्ट और खोए का टेस्ट एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसको धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक चलाते रहिए, जब तक कि आपको खोआ थोड़ा सा गाढ़ा होता हुआ ना दिखे। आपको मैंगो चमचम की ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ हमने खोआ को मैंगो प्यूरी के साथ अच्छे से पका लिया और फिर हमने 1 कटोरी में निकाल करके इसको थोड़ी देर के लिए विस्क किया है, चलाया है, जिससे हमारा मावा थोड़ा ठंडा भी हो जाए और एक बड़ी स्मूथ सी कंसिस्टेंसी बन जाए। इसे हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे, जिससे चमचम में फिलिंग करना आसान हो जाए। जब तक बाकी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, तब तक हम अपनी इस फिलिंग को रेडी करके फ्रिज में रख देंगे। लीजिए, 1/2 घंटे हो गए हैं और इस छेना में से एक्सेस वाटर अब सारा ड्रेन हो गया है। तो चलिए इसे मैश करके इसके छोटे छोटे से पैटीज बनाएं या बॉल्स बनाएं। अब यहाँ हमें छेने को अपने हथेली के एक साइड से प्रेशर देते हुए इसे मैश करना है, जिससे छेने का एक बहुत ही सॉफ्ट सा मुलायम सा डो जैसा बन जाए। छेना को लगातार 5 से 7 मिनट के लिए 1 प्रेशर के साथ मैश करते रहें। आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे ये एकदम एक नरम मुलायम डो के जैसा बनने लगा है। बट ध्यान रखिएगा कि छेना को बहुत ज़्यादा ना मैश कर दीजिएगा, वरना छेना में से ऑयल सेपरेट हो जाएगा और आपके पूरे हाथ पे, हथेली पे तेल जैसी चीज़ आ जाएगी। अब छेना की छोटी छोटी गोल पेटीज बनाइए और इसे एक तरफ रखते जाइए। यहाँ चमचम हम गोल शेप में, राउंड शेप में बना रहे हैं। वैसे चमचम सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है, ट्रायंगल शेप में भी होता है। आपको जिस भी शेप का चमचम बनाना है, आप उस शेप की पैटीज बनाते जाइए और एक तरफ में सारे रख लीजिए। तो लीजिए, बन गई हमारी सारी चमचम की पैटीज। अब बनाते हैं इसकी चाशनी। इसके लिए 1 कप चीनी और 3 कप पानी को बॉईल करें, साथ में इसमें इलायची के 2-4 दाने भी डाल दें। चमचम की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाशनी को 7-8 मिनट तक बॉईल होने दें, फिर फ्लेम को मीडियम करके इसमें बनी हुई छेने की सारी पैटीज को एक एक करके आराम से डाल दें। आप छेने की सारी पैटीज को 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर उबलने दीजिए। शुरू में इसे बिल्कुल ना चलाइए, इसे ढक करके पकने दीजिए। आप 10 मिनट के बाद देखेंगे तो छेने की पैटीज अपने साइज में डबल हो जाएंगी। तब आप इन्हें धीरे धीरे हल्के हाथ से चलाइए, जिससे कि ये सब तरफ अच्छे से पक जाएं और चाशनी इनके अंदर घुस जाए।
10 से 12 मिनट के बाद से आंच बंद कर दें और ढक करके इसे अच्छे से ठंडा होने दें। 2 से 3 घंटे तक ठंडे होने के बाद से अब हम इस छेने की पैटीज में आम फ्लेवर्ड अपने मावा की फिलिंग करेंगे। इसके लिए एक तेज चाकू से छेने की पैटीज को बीच से आराम से काटें और दोनों पीसेस को अलग करके जो हमने मावा और आम का मिक्सचर ठंडा होने के लिए रखा था उसको फिल करें और ऊपर से कटे हुए आम, पिस्ता, रोज पेटल या केसर जिससे मन करे आप उससे डेकोरेट करें और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। लीजिए अपने मैंगो फ्लेवर का एकदम अमेजिंग सी बंगाली मिठाई चमचम रेडी है। ये चमचम इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट बनती है कि अगर आपने एक बार इसे घर पे बना करके खा लिया तो आपको बाहर से मार्केट से चमचम ला करके खाना पसंद नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये चमचम बनाया है या नहीं। थैंक यू।